बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, चैप्टर नंबर 26, और जो आज हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, सम मेजर इकोसिस्टम। यानी मेजर टाइप कौन कौन सी है इकोसिस्टम की? तो बेटा, मेजर टू टाइप्स हैं इकोसिस्टम की, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो पहला जो इकोसिस्टम है वो है एक्वेटिक, जिसे हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम भी कहेंगे। एक्वेटिक का मतलब है कि ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो, उसको हम कहेंगे एक्वेटिक। जैसे कि लेक, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा दी गई है, ये देखें, आपको जो हल्का सा लाइट ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये वाटर है। और यहाँ पर देखें, आपको एक एक्वेटिक यानी वर्टिब्रेट जो फिश दिखाई दे रही है, और ये इस वाटर का किनारा है। किनारे के ऊपर बहुत सारे रूटेड प्लांट्स ग्रो करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस इकोसिस्टम को हम एक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम कहेंगे बेटा। सेकंड जो कैटेगरी है इकोसिस्टम की, वो है टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड, जहाँ लैंड है, जहाँ पर वाटर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वाटर डिपेंड कर रहा है रेनफॉल पर। अगर रेनफॉल वहाँ पर ज़्यादा हो रही है तो वाटर अवेलेबल हो जाएगा, अगर रेनफॉल नहीं हो रही तो वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बेटा, यहाँ पर देखिए, आपको टाल प्लांट्स दिखाए गए हैं, डेंस फॉरेस्ट दिखाया गया है, ये बेटा टेरेस्ट्रियल या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम की कैटेगरी में आता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम वो डिपेंड करता है किसी भी लोकेलिटी के वेदर एंड क्लाइमेट पर। तो बेटा, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट कर लें। तो हम जैसा कि जानते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ, स्पेशली ऑन लैंड, इज अफेक्टेड बाई बोथ वेदर एंड क्लाइमेट, से अफेक्टेड होती है। तो वेदर रेफर टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, विंड एंड प्रेसिपिटेशन ओवर पीरियड्स ऑफ आवर्स और डेज। प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, यहाँ पर बारिश कितनी हो रही है, चंद दिनों के लिए या चंद घंटों के लिए। जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आएगी, जो ह्यूमिडिटी में फ्लक्चुएशन आ रही है, या क्लाउड कवर में आ रही है, या विंड की मतलब चेंज आ रही है कि कभी विंड चल रही है, कभी विंड नहीं चल रही, तो ये जो पैटर्न है शॉर्ट टर्म के लिए, इसे हम क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। जबकि क्लाइमेट क्या है बेटा, क्लाइमेट रेफर टू ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ वेदर दैट प्रिवेल फ्रॉम ईयर टू ईयर, जो सालों साल कहीं पर रहता हो, इवन सेंचुरी टू सेंचुरी इन ए पर्टिकुलर रीजन, इज नोन एज क्लाइमेट। अब बेटा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इकोसिस्टम के टू मेजर टाइप हैं, उनमें से एक एक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम है, दूसरा लिथोस्फेरिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसे हमने बताया है। तो आज बेटा, हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहते हैं एक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। जहाँ पर वाटर एग्जिस्ट करेगा, उसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे। तो हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम इज ए सिस्टम इन वाटर वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स एक्सचेंज मटेरियल्स एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आल्सो टेक्स प्लेस विद इन वाटर, इज नोन एज एक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। अब बेटा, इकोसिस्टम हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ का 71% जो सरफेस एरिया है वो ऑक्यूपाइड है बाई साल्ट वाटर ओशन एंड सी। तो साल्ट वाटर ओशन एंड सी आर द लार्जेस्ट इकोसिस्टम है ऑन द अर्थ, फार्मिंग अबाउट 71% ऑफ इट्स सरफेस। तो बेटा, ये आपसे शॉर्ट भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी अर्थ का कितने परसेंट सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड है बाई साल्ट वाटर या ओशन वाटर, वो है बेटा 71%। और बेटा, जो दूसरा इकोसिस्टम होगा जो इक्वेटिक, वो कहलाएगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इन कंट्रास्ट कवर्स लेस देन 1%। ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो कितना कवर कर रहा है एरिया बेटा हमारी अर्थ सरफेस का, तो 1% से भी कम है, लेस देन 1%। बेटा, हम जानते हैं कि वाटर वाटर वैसे देखें ना, बेस्ट सॉल्वेंट है, यूनिक प्रॉपर्टीज हैं ऑफ वाटर की। तो आज बेटा देखते हैं यूनिक प्रॉपर्टीज जो वाटर की हैं वो क्या कर रही है, कौन सा रोल प्ले कर रही है। तो यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लेंड सम कॉमन फीचर टू एक्वेटिक इकोसिस्टम,
यानी एक इकोसिस्टम को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दी जा रही हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बेटा वो देखते हैं, नंबर वन कौन सी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर। देखिए हम जानते हैं कि टेम्परेचर क्या है, यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। और टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है फॉर द लाइफ, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन अप टू ए लिमिट। अगर टेम्परेचर लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो बेटा एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से एंजाइम अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते और जो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो टेम्परेचर भी बेटा क्रूशियल फैक्टर है। अब देखते हैं कि वाटर में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में टेम्परेचर क्या फ्लक्चुएट करता है या नहीं करता। तो वाटर चेंजेज इज टेम्परेचर स्लोअर देन एयर, यानी एयर के इस वक्त वाटर में टेम्परेचर की जो चेंज है वो बहुत स्लो होती है। सो टेम्परेचर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज मोर मॉडरेट टू सपोर्ट लाइफ, यानी हम जो कह सकते हैं कि वाटर में एक्वेटिक इकोसिस्टम में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और वो लाइफ को सपोर्ट करता रहता है। सेकेंड बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ एनर्जी का मतलब है सोलर एनर्जी है, सनलाइट है जो सन से आ रही है, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है जो वाटर में एब्जॉर्ब होता है। ऑल्दो वाटर में अपीयर क्वाइट ट्रांसपेरेंट है, इट एब्जॉर्ब्स ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द लाइट एनर्जी दैट सस्टेन्स लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। बेटा इवन इन क्लियरेस्ट वाटर, अगर वाटर बिल्कुल क्लियर है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, लेकिन लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी रैपिडली विद डेप्थ ऑफ वाटर। अगर वाटर की डेप्थ बढ़ती चली जाए तो लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। हम यूँ कह सकते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डेप्थ ऑफ द वाटर। So at the depth of 600 feet or more, a little light is left to power photosynthesis. यानी अगर हम 600 feet below depth में चले जाएं तो वहाँ light available नहीं होगी और वो ना ही वो photosynthesis को support कर रही होगी। बेटा third जो important प्रॉपर्टी है वाटर की वो है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इन एक्वेटिक सिस्टम टेंड टू बी कंसंट्रेटेड नियर द बॉटम सेडिमेंट्स, बॉटम सेडिमेंट के बहुत ज़्यादा करीब जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और सपोर्टिंग लाइफ वेयर लाइट लेवल आर ऑफन टू लो टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी या लाइट की जो प्रेजेंस है बहुत ही कम होती है और वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहाँ नहीं होती लेकिन न्यूट्रिएंट्स वहाँ कंसंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। बेटा अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, देखिए एक्वेटिक सिस्टम में वाटर अबंडेंट क्वांटिटी में मौजूद है और हम जानते हैं कि वाटर जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल कंपाउंड है फॉर सपोर्टिंग लाइफ। जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ होता है बेटा, तो वाटर इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ है बेटा। इट इज अवेलेबल अबंडेंटली इन एक्वेटिक इकोसिस्टम टू सपोर्ट लाइफ। देखिए इक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि नाम ही इसलिए रखा गया इक्वेटिक, जहाँ पर वाटर अवेलेबल होगा। अब जब वाटर अवेलेबल होगा तो वहाँ लाइफ को वो सपोर्ट कर सकेगा। बेटा हम बात कर रहे हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम की, अब हम देखना चाहते हैं कि इक्वेटिक इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है बेटा, और कैसे उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंडिकेटेड बाई कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है और ऑक्सीजन जो है वो एवॉल्व यानी रिलीज होती है। तो जितनी क्वांटिटी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंज्यूम होगी और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन की रिलीज होगी, हम समझेंगे कि वहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हाई है, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही है। और हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है और नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड करती है। तो बेटा जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी, इसका मतलब ये है कि वहाँ फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा हो रही है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम या इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है इज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय द लाइट, लाइट पे भी डिपेंड करती है, उससे भी डिटरमिन करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड कर रही है। लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी वेरी करती है विद वाटर डेप्थ, सो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरीज विद लाइट।
लाइट पे भी डिपेंड कर रही है और वेरी कर रही है, और डेप्थ पे भी वेरी कर रही है। तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आल्सो चेंजेस विद सीजन, सीजन के मुताबिक अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। देखिए अगर सीजन मॉडरेट है, मॉडरेट टेम्परेचर है, तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी मॉडरेट हो जाएगी। लेकिन अगर सीजन कोल्ड सीजन है, तो चूंकि कोल्ड सीजन में टेम्परेचर लो हो जाता है और वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो जाती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कब होगी, जब कोल्ड सीजन होगा। प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरी करती है फ्रॉम जोन टू जोन, भी वेरी करती है बेटा। बेटा इक्वेटिक एनवायरनमेंट कैन इजीली बी क्लासिफाइड इनटू फ्रेश वाटर एंड मेराइन साल्टी वाटर, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि टू मेजर टाइप्स ऑफ इक्वेटिक सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और दूसरा मेराइन यानी साल्टी वाटर इकोसिस्टम है। तो बेटा सबसे पहले हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को डिस्कस करना चाह रहे हैं। आइए यहाँ पर जो बेटा एग्जाम्पल दी गई है, फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में बताया गया है कि फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है बेटा। बेटा जी आपको एक लेक्स दिखाई गई है, ये इसका यहाँ पर किनारा दिखाया गया, शोर जिसे बोलते हैं, और ये देखें किनारा डरवान की तरफ आता हुआ, डेप्थ बढ़ती जा रही है और ये सारा इसका वाटर मौजूद है। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये ढलवान पर कुछ आपको यहाँ पर सॉइल की अवेलेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन रूटेड प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये प्लांट जो है कम्प्लीटली जो है अबव द सरफेस ऑफ वाटर है। लेकिन जो जो हम वाटर की डेप्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो इंटायरली टोटली तौर पर जो है सबमर्ज्ड इन वाटर है, जैसे कि आपको यहाँ पर प्लांट दिखाया जा रहा है ग्रीन प्लांट्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ प्लांट अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनको सफिशेंट स्पेस नहीं मिल सकी, वो एंकर नहीं कर सके, वो अपने आप को फिक्स नहीं कर सके प्लांट, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो बेटा वो जोन जो यहाँ पर सनलाइट अवेलेबल है और जहाँ पर प्लांट्स जो हैं अपने आप को एंकर कर रहे हैं, उस जोन को यहाँ पर लिटोरल जोन कहा गया है। उसके बरक्स बेटा आपको यहाँ पर कुछ देखें वाटर जो है ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट इसलिए नजर आ रहा है कि सनलाइट यहाँ तक पेनिट्रेट कर सकती है और ये ओपन वाटर एरिया है, इस एरिया को लिमनेटिक जोन कहा गया है। और बेटा वो जोन जहाँ पर देखिए कुछ डार्कनेस नजर आ रही है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती और जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से इस एरिया का नाम रख दिया गया है प्रोफंडल जोन रखा गया है। अभी बेटा हम इसके फ्रेश वाटर लेक को डिटेल से पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स वेरी करती हैं ट्रेमेंडसली, बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं इन साइज, साइज के एतबार से भी, डेप्थ डेप्थ एंड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इंक्लूडिंग डिस्टिंक्ट लाइफ जोन है और टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन, यानी यहाँ पर टेम्परेचर की भी लेयर बन चुकी है, यानी अपर सरफेस पे और वाटर की जो अपर सरफेस है वहाँ टेम्परेचर और होगा, कॉलम में टेम्परेचर और होगा, नीचे बॉटम में टेम्परेचर और होगा। तो यहाँ एक लेयर्स आ गई है टेम्परेचर की, इसलिए हमसे कहते हैं टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। लाइफ जोन आर बेस्ड ऑन एक्सेस टू लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, लाइफ के जो जोन है यानी यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे बेटा, एक्सेस टू लाइट, कि लाइट की वहाँ पहुँच है या नहीं है, न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड्स ऑन एक्सेस टू लाइट टू न्यूट्रिएंट्स एंड टू प्लेस फॉर अटैचमेंट, जैसे कि पहले आपको बताया जा चुका है कि ये जो लाइफ जोन है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है लाइफ की, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक एलजी जो है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट जोन बन चुके हैं, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको लिटोरल जोन है, लिमनेटिक जोन है, प्रोफंडल जोन है। तो लेक्स इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन जोन में बेटा, यहाँ पर लिटोरल जोन है नंबर टू, लिमनेटिक जोन नंबर थ्री, प्रोफंडल जोन है बेटा। इनको बेटा हम तरतीब से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटोरल जोन के बारे में बेटा। ये आपको एक यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक दिखाई गई है, ये एक आपको इसका देखें किनारा नजर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डरवान बढ़ती जा रही है और यहाँ पर देखें आपको रूटेड ग्रीन प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्लांट्स यहाँ मौजूद हैं जो डिफरेंट वराइटी के प्लांट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें आपको कुछ प्लांट ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हैं, इस एरिया को लिटोरल जोन लेबल किया गया है।
यानी नियर शोर जो किनारे के करीब होगा। इन दिस जोन वाटर इज शालो, कम गहरा है पानी, पानी की गहराई ज्यादा नहीं है। एंड प्लांट्स फाइंड अबंडेंट लाइट, और प्लांट्स को यहाँ पर अबंडेंट लाइट अवेलेबल है। एंकोरेज, और अपने आप को ये फिक्स भी कर सकते हैं, एंकर कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट्स, बॉटम सेडिमेंट्स से यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हैं जो ये रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बेटा प्लांट्स इन लिटोरल जोन कम्युनिटी में आर द मोस्ट डाइवर्स, मुख्तलिफ अकसाम है यहाँ प्लांट्स की, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर लिलीज एंड इंटायरली सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट्स, यानी मुकम्मल तौर पर जो पानी में डूबे हुए वेस्कुलर प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, और एल्जी जो फ्री फ्लोटिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है फ्लोरिश कर रही हैं एट द डीपेस्ट रीजन ऑफ द लिटोरल जोन, यानी ये डीपेस्ट एरिया यहाँ इसे कहेंगे, इस एरिया को कहेंगे, और यहाँ पर एल्जी वगैरह भी फ्लोरिश कर रही है। बेटा द प्लांट्स ऑफ दिस जोन ट्रैप करते हैं सेडिमेंट्स को, कैरीड बाय स्ट्रीम जो स्ट्रीम लेकर आई है, इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन दिस जोन, इस जोन में न्यूट्रिएंट्स की कंटेंट क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। लिविंग अमंग द एंकर्ड प्लांट, बेटा ये जो प्लांट यहाँ पर अटैच हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, इनके दरमियान में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं कॉल्ड प्लैंकटॉन्स, जिन्हें प्लैंकटॉन कहते हैं। ये बेटा ग्रीक वर्ड है, प्लैंकटॉन का मतलब है फ्री ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म, फ्री ड्रिफ्टिंग का मतलब है आजादाना तैर रहे हैं पानी के अंदर, वो अटैच नहीं है। बेटा देखना ये चाहते हैं कि वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो इसलिए प्लैंकटॉन को टू मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर वन फाइटोप्लैंकटॉन, फाइटो का मतलब बेटा प्लांट्स होता है, प्लैंकटॉन का मतलब होता है फ्री ड्रिफ्टिंग, तो ये फ्री ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हैं। दीज इंक्लूड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के मेंबर्स होंगे, बैक्टीरिया एंड एलजी वगैरह इसमें शामिल हैं। बेटा सेकंड जो कैटेगरी होगी बेटा, जहाँ पर प्लांट्स मौजूद एनिमल्स मौजूद हैं जो फ्री ड्रिफ्टिंग है, जो अटैच नहीं है, उन्हें हम जू प्लैंकटॉन कहेंगे। ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ड्रिफ्टिंग एनिमल्स सच एज प्रोटोजोआ हैं, टाइनी क्रस्टेशियन हैं। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इन द लेक इज आल्सो फाउंड इन दिस जोन, यानी और भी वैरायटी यहाँ पर एनिमल्स की एग्जिस्ट कर रही है, उनमें से इनवर्टिब्रेट भी हैं और वर्टिब्रेट भी हैं। आइए बेटा हम देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फिर वर्टिब्रेट में कौन कौन से हैं बेटा। तो लिटोरल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इंक्लूड स्मॉल क्रस्टेशियन हैं बेटा, क्रस्टेशियन एक आर्थ्रोपोड्स को कहा गया है, जो इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उन्हें हम क्रस्टेशियन कहते हैं। इंसेक्ट लार्वी यहाँ मौजूद हैं, स्नेल यहाँ मौजूद हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, हाइड्रा है, और इसके अलावा बेटा जो वर्टिब्रेट्स हैं यहाँ पर जो इस इलाके में मौजूद होंगे लिटोरल जोन के अंदर, वो कौन कौन से बेटा, इंक्लूड फ्रॉग्स हैं, एक्वेटिक स्नेक हैं, टर्टल हैं बेटा। बेटा ये आपको दिखाया गया है, एक फ्रेश वाटर लेक यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है। तो ये देखिए ये इसका मार्जिन है, किनारा है, शोर जिन्हें कह रहे हैं, इसके करीब करीब जितने भी आपको ये ग्रीन प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं जो रूटेड प्लांट्स हैं, और एंकर किया हुआ है इन्होंने अपने आप को विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, और ये कम गहरा इलाका है, इसको हम लिटोरल जोन कहते हैं। बेटा उसके बाद ये देखिए ओपन वाटर जोन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है, इसको हमने जहाँ पर लेबल किया है लिमनेटिक जोन, और नीचे वाला बॉटम वाला एरिया है जहाँ डीपेस्ट एरिया है ऑफ इक्वेटिक या फ्रेश वाटर लेक का, उसे हम प्रोपेंडल जोन कहते हैं बेटा। और यहाँ देख रहे हैं कि आप डिफरेंट टाइप के देखिए ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए ग्रीन प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर लिमनेटिक और प्रोफेंडल जोन में आपको कोई ग्रीन प्लांट्स नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लाइफ है वो वेरी कर रही है विद डिफरेंट जोन के हिसाब से। बेटा हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में, तो एज द वाटर इन वाटर डेप्थ इंक्रीजेज, जैसे वाटर डेप्थ इंक्रीज होगी फार्दर फ्रॉम द शोर, जो जो हम किनारे से दूर चले जाएंगे, प्लांट्स आर अनएबल टू एंकर टू द बॉटम, तो प्लांट्स इस काबिल नहीं है कि वो बॉटम के साथ अपने आप को फिक्स कर सके, और स्टिल कलेक्ट इनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बेटा ये जो ओपन वाटर जोन आ जाएगा, इस वाटर को हम टू डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर देंगे। ओपन वाटर एरिया इज डिवाइडेड इंटू टू रीजन। नंबर वन अपर लिमनेटिक जोन होगा, जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल होगी, सनलाइट की एक्सेस मौजूद होगी, सनलाइट पेनिट्रेट कर सकेगी, उस ओपन एरिया को हमने लिमनेटिक जोन कहा।
और बेटा जो नीचे लोअर प्रोफेंडल जोन कहलाएगा, लोअर जहां पर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। वजह यह है कि डेप्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और लाइट वहां अवेलेबल नहीं है, और जब लाइट अवेलेबल नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं कर रही फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को। हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में, तो फ्रेश वाटर लेक भी आपको यहाँ बताया गया है। अब आपको बेटा ये देखिए, ये जो शहद समंद ये किनारे के साथ साथ जो जोन नज़र आ रहा है लिटोरल जोन हमने पढ़ा, और बेटा ये जो ओपन वाटर जोन है ये लिग्नेटिक जोन है जहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है। आइए बेटा देखते हैं लिग्नेटिक जोन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं इन दिस जोन इन अ फ्लाइट पेनिट्रेट कर रही है टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। अब बेटा हेयर यहाँ पर क्या होगा बेटा, फाइटोप्लैंकटन यानी फ्री ड्रिफ्टिंग प्लांट्स इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया होंगे जिन्हें हम ब्लूग्रीन एलजी भी कहते हैं, विच सर्व एज ए मेजर प्रोड्यूसर्स। देर आर दीज आर ईटन बाय प्रोटोजोआ, इनको प्रोटोजोआ खाएंगे, और स्मॉल क्रस्टेशियन विच इन टर्न आर कंज्यूम बाय फिश, और फिश इन्हें कंज्यूम कर देगी बाद में। बेटा हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में, तो ये फ्रेश वाटर लेक आपको एक और दिखाई गई है। देखिए ये साइडों का इलाका जो नज़र आ रहा है ये लिटोरल जोन है, और ये जो ओपन वाटर जोन अपर वाला पोर्शन है वो लिग्नेटिक जोन है, और नीचे जहाँ लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही उसे हमने प्रोफेंडल जोन लेबल किया है। और ये देखिए किनारा है, मार्जिन है जहाँ पर स्लोप नज़र आ रहा है, जहाँ पर रूटेड प्लांट्स अपने आप को फिक्स कर सकते हैं, एंकर कर सकते हैं, उसे हमने लिटोरल जोन मार्क किया है यहाँ पर। बेटा हम बात कर रहे हैं प्रोफेंडल जोन के बारे में, जहाँ पर परपीचुअल डार्कनेस है, हमेशा हमेशा अंधेरा है, लाइट अवेलेबल नहीं है, या लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस जोन आर मेनली नरिश्ड बाय डिट्राइटस, गला सड़ा मवाद उससे नरिश हो रही होंगे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दैट। अब ये डिट्राइटस कहाँ से आ रहा है, दैट फॉल्स फ्रॉम द लिटोरल एंड लिग्नेटिक जोन, यानी लिटोरल जोन से या लिग्नेटिक जोन से ऊपर से नीचे गिर रहा है उस पर ये ऑर्गेनिज्म जहाँ रहने वाले जो प्रोफेंडल जोन में मौजूद हैं वो फीड करेंगे, एंड बाय इनकमिंग सेडिमेंट्स बेटा डीकम्पोजर भी यहाँ मौजूद होंगे, एंड डिट्राइटस फीडर भी मौजूद होंगे सच एज स्नेल एंड सर्टन इंसेक्ट लार्वी बैक्टीरिया फंजाई एंड फिश इनहेबिट इट, यहाँ रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, प्रोफेंडल जोन के बारे में बात हो रही है। बेटा आप देखना चाहते हैं कि इक्वेटिक इकोसिस्टम में इंसान ने क्या मदाखलत की है, इंटरवेंशन ऑफ मैन इन इक्वेटिक इकोसिस्टम। बेटा ह्यूमन एक्टिविटी मे ग्रेटली एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूट्रोफिकेशन, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, और अबेंडेंट ग्रोथ हो गई है एलजी की, तो ऐसा एरिया जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो वाटर के अंदर, उस एरिया को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम ये कहते हैं यूट्रोफिकेशन, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड इनटू लेक्स फ्रॉम फार्म फीड लॉट्स एंड सीवेज। सीवेज से भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ आ रहे हैं, फीड लॉट्स से भी आ रहे हैं, फार्म फीड लॉट्स मुख्तलिफ किस्म के जो फार्म बने हुए हैं वहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स पानी में बहकर इस एरिया में आ रहे हैं, और यहाँ न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी रिचनेस ऑफ एडिक्वेट रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो चुकी है यहाँ पर। इवन इफ सॉलिड वेस्ट आर रिमूव्ड, अगर सॉलिड वेस्ट रिमूव कर दी जाए, वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑफन रिच इन फॉस्फेट। तो वाटर बेटा रिच होता है किसमें, फॉस्फेट में और एंड नाइट्रेट्स में, डिजॉल्व होते हैं फ्रॉम वेस्ट एंड डिटर्जेंट्स, ये डिजॉल्व हो जाते हैं बेटा, और बेटा ये जो फॉस्फेट हैं या नाइट्रेट हैं ये आकर यहाँ पर एलजी की ग्रोथ को इनकरेज करेंगे, और यहाँ एलजी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रेन वाटर वाशेज ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम फील्ड्स, फील्ड से पानी बहा कर ले आता है, किस चीज़ों को बहा कर ले आता है, रेन वाटर फर्टिलाइजर को बहा कर लेकर आएगा, बहकर आ जाएंगे, वेयर द मैन्योर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल इज एक्यूमुलेटेड, और यूँ फिर क्या होगा यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कैटल का मेन्योर जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, द वाटर देयरफॉर बिकम्स हाईली इनरिच हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स से, तो एडेड न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट करेंगे एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंकटन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एलजी वगैरह की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ या नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंकटन।
बेटा उससे क्या होगा, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स लाइक ब्लू ग्रीन एलजी जो है फार्मेस का एक मोटी सी तह बना देंगे ऑन दी ले सरफेस, लेक की सरफेस की तह बन जाएगी। अब उसका नुकसान ये होगा कि सनलाइट आसानी से अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, डिप्रीविंग दी सबमर्ज प्लांट ऑफ सनलाइट। और जो नीचे प्लांट डूबे हुए प्लांट थे जिनके पत्ते पानी के अंदर डूबे हुए थे उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, एज ए रिजल्ट दे डाई, और वो प्लांट्स मरना शुरू हो जाएंगे। द डेड प्लांट्स बॉडी जो होंगी आर डिकम्पोज होंगी बाई बैक्टीरिया। और बेटा बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करेंगे तो हम जानते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करते हैं, और एरोबिक बैक्टीरिया को वहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो फिर वो क्या करेंगे, यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वाटर। कौन सी ऑक्सीजन, जो वाटर में मौजूद थी। अब डिप्रीव्ड ऑफ ऑक्सीजन की वहाँ और भी कमी हो जाएगी, एक तो बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही क्योंकि सरफेस पे स्कम बन चुका है, सेकेंडली सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही, कोई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वहाँ नहीं हो रही जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी कम हो गई है। तो फिर बेटा वहाँ पर क्या होगा, फिश स्नेल एंड इंसेक्ट लार्वा डाई, वो भी मरना शुरू हो जाएंगे, एंड देयर डिकेइंग बॉडी फ्यूल मोर बैक्टीरिया ग्रोथ। और उससे क्या होगा कि वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ को और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगी, और ज़्यादा इनकरेज हो जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रोथ जो है बढ़ जाएगी, फर्दर डिप्लीटिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मजीद कम होती चली जाएगी। इवन विदाउट ऑक्सीजन सर्टन बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग गैसेस थ्रीव, यानी गंदी गैस बदबूदार गैसें जो पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पर सर्वाइव करना शुरू कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ऑल्दो इट इज़ फुल ऑफ लाइफ, अगर इस जगह पे लाइफ बहुत ज़्यादा मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद है, तो लेक्स बिकम पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड हो जाएगी, और लेक की जो स्मेल है वो बैड हो जाएगी, अनप्लेजेंट स्मेल हो जाएगी वहाँ पर, और वो नुकसान देगी। अब बेटा ये जो वाटर यहाँ मौजूद है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है, मोस्ट ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इंक्लूडिंग द फिश आर एलिमिनेटेड होते जा रहे हैं, एंड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलजी डोमिनेट दी कम्युनिटी, और जो ब्लू ग्रीन एलजी है उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, वो डोमिनेट होती चली जा रही है यहाँ पर। अनदर वेरी वेरी सीरियस काज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज दी एसिड, एसिड की वजह से होगी यहाँ पर। एसिड कहाँ से आए बेटा, प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से जो पैदा होता है, विच पोज इज ए डिफरेंट थ्रेड टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को थ्रेड डाल रहा है। फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन विदस्टैंड द लो पीएच ऑफ एसिडिफाइड लेक्स, क्योंकि एसिडिफाइड लेक हो जाएगी वहाँ पर, बहुत कम ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो इसको टॉलरेट कर सकेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, लेकिन एक बात याद रखिए, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उसे मुस्तफीद हो सके। अल्लाह हाफिज़।